सिंस एंड फॉर हमने बहुत बार देखे हैं। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ये अभी तक का समय बताने के लिए काम आता है, जब से काम शुरू हुआ जिस पॉइंट से उससे लेकर अभी तक। और फॉर क्या करता है, पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, ये उस समय अंतराल को बताता है, है ना, यही दोनों बताते हैं, ठीक है। बिफोर क्या करता है, पॉइंट से पहले की बात करता है, किसी पॉइंट से पहले का समय बताने के लिए बिफोर, और समय अंतराल बताने के लिए पास्ट में हम अगो का यूज करते हैं। इनके एग्जांपल देख लेते हैं, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मंडे। मंडे एक टाइम है, एक पॉइंट है, वो तब से लेके अभी तक पढ़ाई कर रहा है। तो ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मंडे। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर टू इयर्स। टू इयर्स एक समय अंतराल है, इसलिए क्या लगाना पड़ा, फॉर लगाना पड़ा। एंड ही हैड गॉट जॉब बिफोर जनवरी। देखिए ये जनवरी, अभी तो हम यहां आ गए हैं सपोज, तो ये जनवरी उसके पहले, मतलब वो पॉइंट के पहले, दे हैड गॉट जॉब बिफोर जनवरी एंड आई गॉट द न्यूज 1 आवर अगो। अब इस बार हमने ड्यूरेशन की बात की कि 1 आवर अगो, एक घंटा पहले।